क्राइम और अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह निकी मार्शल। ये शेर बेखौफ क्राइम करता था, पर बहुत जल्द इसकी किस्मत बदलने वाली थी। जिस जगह पर बुराई का साया, वही हमें मार्शल नजर आया। जब आऊंगा मैं चल के, रहना संभल के, शेर वाली चाल दो कदम पीछे चल के, जी उसी न तान के, किसी का न डर है, किसी के आगे ना झुके मेरा सर है, सर पे न ताज पर चलता है राज मेरा, एक ही दहाड़ से गूंजे आवाज मेरा, हाई हॉर्स पावर जैसा लैम्बोर्गिनी कार हूं मेरा है इलाका में शेर सा दहाड़ दो। जिंदगी अलग मेरा नाम है, अलग मेरी बातें, अलग पहचान है, जीता हूँ मैं शौक से, किसी का ना खौफ है, चलती है गोली जब करूँ वर्ड्स ड्रॉप में, खड़ा यहाँ टॉप पे बिना मेरे सुबह जिले मेरे जैसे। राहुल बरसों से मौका ढूंढ रहा था कि कब मार्शल मिलेगा, और आखिर में वो रंगे हाथों पकड़ा ही गया। नजरों से दूर देख ऐसा मेरा लेवल है, नाम फैले मेरा बिना कोई लेबल के, थोड़ा स्टेबल रहे, कीप काम ब्रो, तू है निशाना रेडी, मेरी बो एन एरो, नजरों से दूर देख ऐसा मेरा लेवल। लेकिन उसके सामने राहुल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। थोड़ा स्टेबल रहे, कीप काम ब्रो, तू है निशाना रेडी, मेरी बो एन एरो, असमान है तो किस्मत, असमान है तो किस्मत, असमान है तो किस्मत, असमान है तो, असमान है तो, असमान है तो किस्मत, असमान है तो किस्मत, असमान है तो किस्मत, असमान है तो, असमान है तो, असमान है तो किस्मत, असमान है तो किस्मत। सॉरी सर, मार्शल भाग गया, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मार्शल का क्राइम बढ़ता जा रहा है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। हर्ष, ये केस तू संभाल। ऋतिक और राज कब काम आएंगे? उन दोनों को भेज दो, मुझे कुछ काम है। ओके। ए मार्शल, तेरा जो धंधा है ना, वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ज्यादा देर तक तू नहीं टिकने वाला। इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से है? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तेरे को वार्निंग देने कि नेक्स्ट टाइम से क्राइम मत करना। चिंता मत कर, नेक्स्ट टाइम तक तू नहीं बचेगा। पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। क्या बोला मार्शल? वार्निंग देकर है साला, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगली बार से क्राइम नहीं करेगा तो? टेकर में क्यों कॉन्फिडेंस दिखाएगा, वो जरूर अटैक करने वाले हैं। रेडी हो जाओ। आएगा ना, आने दो साले को। मार्शल को दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पहला पुलिस की वार्निंग और दूसरा उसका खुद का गुस्सा। हेलो राहुल भैया, मार्शल इधर ही है। ऋतिक, मार डाल मार्शल को। आखिर राज का बदला किसी को तो लेना ही था, पर मार्शल का असली गुस्सा राहुल पे था। यह आखिरी मौका था मार्शल को पकड़ने का, इसलिए पूरी टीम को इकट्ठा होना पड़ा। कहाँ गया वो राहुल? आज मारूंगा उसको मैं। पर राज ने धोखा दिया। ये राहुल को क्यों मारना चाहते? मेरे को पता था ये सब होने वाला, इसलिए मैंने वहां राहुल को भेज दिया।
ब्रिज में लड़ाई के बाद राहुल को एक महफूज जगह ला दिया गया। मार्शल डिसाइड कर चुका था कि वो सबको चुन चुन के मारेगा और उसका पहला टारगेट था राहुल। और भाई कैसा? राहुल मर गया। कैसे? ये बता, ये सब हुआ कैसे? मुझे पता था ये सब उस दिन होने वाला। यार था तो अपना भाई, अब करे क्या? ध्यान से मेरा प्लान सुनो। लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। पर राहुल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। और यह है अमित, राहुल का सबसे अच्छा दोस्त। यार बहुत खराब लग रहा है। बदला तो लूंगा मैं। आखिर प्लान क्या है? परसों में हर्ष से मिला, तभी हम दोनों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया। ये प्लान बहुत रिस्की है, मार्शल कभी भी अटैक कर सकता है। मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और हाँ, ये है निखिल, हमारा डीप मेंबर। हेलो। हाँ निखिल सुन। हाँ ऋतिक बोल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यार। क्या? राहुल मर गया। राहुल नहीं मर सकता, मार्शल उसे जान से मार डाला। ऐसा हो ही नहीं सकता, मार्शल ये सब अकेले नहीं कर सकता। कोई तो है हम लोग की टीम में जो उसकी हेल्प कर रहा है। राज? हाँ साला राज ही क्या होगा। निखिल का कॉल आया था, धमकी दे रहा है। फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू चाहता क्या है मार्शल? सबको एक एक करके मारूंगा, धंधा बंद करके रखा है मेरा। जिंदा दफना दूंगा उनको। भाई बोला था ना अकेले मत जाना। इस बार बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। शांत भाई शांत, जो होगा सब कर। भाई हुआ क्या एक्चुअली? मुझे पता है मेरी टीम ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। चलो एक बार कॉम्प्रोमाइज करके देखते हैं। आइंदा अगर यहाँ पे दिखा तो काट डालूंगा। तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूँ।
सुमित को चेतावनी देके भेज दिया गया। ध्यान से मेरा प्लान सुनो। हाँ भाई सुना। ऋतिक को बुलाओ। फिर क्या, चलो घूमने। कहाँ क्या, जहाँ गाड़ी ले चले वहीं। एंड नाउ द रियल गेम बिगिंस। अबे परमिंदर कहाँ गया? अरे भाई उसका कुछ काम था। ठीक है चलो कोई घूमते हैं आज। मुझे पता था वो राज है, लेकिन कभी कभी देखा को अनदेखा करना पड़ता है। वो दोनों बहुत खुश थे, पर मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। अच्छा हर्ष सुन। हाँ बोल। ये कौन था? जाने देना यार। अच्छा ऋतिक सुन, मेरे को एक काम है। ले गाड़ी का चाबी और तू घर जा। तू कैसे जाएगा? मैं चले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। अच्छा सुन, तू हर्ष को जानता है? हाँ वो मेरा भाई है। कहाँ मिलेगा? उधर वहाँ। अच्छा सुन, कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तू घर जा। राज तू ये ठीक नहीं कर रहा। मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे बता। तेरे से प्यार मोहब्बत वाली बातें थोड़ी ना करने आऊंगा। आपको क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? No, it was a part of my plan. मुझे तो अपने लोकेशन पे पहुंचना था। मार्शल, अब तेरी सांसें ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। तू मारेगा मुझे? तू? मैं नहीं, राहुल। हेलो हर्षदीप। हाँ बोल। ये मेरे को राहुल लग रहा है। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ये तो राहुल का है। तू जिंदा है बे? जिंदा है बे तू अभी तक? रुक, जिंदा है बे? रुक, मैं आराम से बताता हूँ तेरे को। तो सुनो, कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। सिर्फ 3 मिनट है, सरेंडर कर ले अपने आपको। सरेंडर? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, और ऊपर से ये मेरी पर्सनालिटी को सूट भी नहीं करती। तो अब क्या राहुल? बदला कौन लेगा? तू। सुमित से मिलने के बाद अमित की गाड़ी खराब हो गई। Shit! But it was a good sign, क्योंकि राहुल की किस्मत बदलने वाली थी। राहुल, तुम यहाँ पे क्या कर रहा था? मार्शल सबको मारेगा। सुमित गया ना उसे मारने के लिए। मार खा के आएगा सुना। देखते हैं। हर्ष का क्या हुआ? यार तू हर्ष का बात छोड़, तू यहाँ पे क्या कर रहा था? अगर तेरे को कुछ हो जाता तो है ना मेरा भाई। एक बार हाथ खोल के तो दिखा, फिर पता चलेगा कौन किसको मारता है। गन्स चेक। लोकेशन सब तो देख लिया। मार्शल का क्या कर रहा? बहुत उड़ रहा है सुना, उसकी किस्मत बदलने वाली है। और तभी सारी टीम को इकट्ठा होना पड़ा, और सारी टीम को इकट्ठा करने वाला सूर्य सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हर्ष का क्या हुआ? सर वो अपने लोकेशन में पहुंच गया, हमें अटैक करना चाहिए। मार्शल बहुत बड़ा क्रिमिनल है,
पहले उसको गुस्सा दिलाएंगे। सर वो इतना पागल है, वो जरूर कुछ ना कुछ गलती करेगा। सर 2 महीने हो गए मार्शल का कुछ पता नहीं चला। इनसे मिलो, ये है हृदय। फ्यूचर में कोवर्ट मिशन शुरू होगा जिसमें हृदय टीम को लीड करेगा। सर वो हर्ष को मार तो नहीं देगा? वो हर्ष को नहीं मारेगा। He needs information. तुम खाली देखते जाओ। खेल लिया तूने, अब वापस आ जा, भूल जा। अभी वक्त है राज, मान जा। तो सुमित रेडी है मार्शल का गेम खत्म करने के लिए? मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। हेलो मार्शल, तू जल्दी उस लोकेशन पे पहुंच जा और वहीं उसका गेम खत्म कर लेंगे। मार्शल का क्या हुआ? ठोक के हैं इस साले को। और हर्ष? वो लोकेशन में पहुंच गया। तू तो जानता है मार्शल को, तेरी बारी है एक्सपीरियंस दिखाने की। अपना लिमिट में रहना सीखो। लगता है सूर्या सर को कॉल लगाना पड़ेगा। तू अपने लिमिट में रह साले। सूर्या सर को कॉल लगा। हेलो, हाँ सूर्या सर। मार्शल मेरे पास है, उन दोनों को भेजो। देख तेरा अंत तेरे सामने ही खड़ा है। भाई मार पाएगा तो? बहुत एक्सपीरियंस है साले, तूने बहुत खेल लिया। अभी खेलेंगे हम, देखेगा तू। गिदड़ को मारने से गिदड़ शेर नहीं बन जाता। शुरुआत तूने किया था, लेकिन क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स हम दिखाएंगे। और ऐसा क्लाइमैक्स दिखाएंगे ना
ना बोलने की तेरे को ताकत होगी ना देखने की हिम्मत। बुराई में चाहे जितनी भी ताकत हो, अच्छाई के सामने कभी टिक नहीं पाती। मार्शल को हराना आसान नहीं था, पर हम लड़ते रहे इसलिए हमारी जीत हुई। Well done guys. आखिर मार्शल कांत हो ही गया। By the way, थैंक्स हमारी मदद करने के लिए। किसी के लिए नहीं यार, तेरे लिए क्या। 5 साल तक हम लोग को इंतजार करना पड़ा। चलो आखिर मार्शल मर गया। सिर्फ तू ही नहीं, हम सब ने मेहनत किया इसमें। उम्मीद करता हूँ ये दोस्ती बहुत आगे तक जाएगी। By the way, राहुल कहाँ गया? आगे तू और काम नहीं करेगा? मार्शल को ही पकड़ना मेरा मकसद था। वैसे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। चिंता मत कर, आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ वो सूर्य सर को थोड़ा देख लेना, दादा के नहीं मारते है साला। हर्ष। हाँ भाई आ रहा हूँ। जो टीम टूट गई थी मार्शल की वजह से, आज फिर वापस हो गई। सुमित ने टीम को ज्वाइन कर लिया। सूर्य सर अपने कॉन्टैक्ट पे डटे रहे। राज और ऋतिक का प्रमोशन हो गया। हेलो अमित, मार्शल कांत हो ही गया। और हमारी जब जरूरत पड़े हम जरूर आएंगे।